कहते हैं उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, पर अगर सपनों में पंख लग जाएं, तो उनकी रफ्तार भी कम नहीं होती। ये सफर शुरू हुआ दिल्ली से। एक तरफ से कहा जाए तो पक्के दिल्ली वाले ही हैं हम। मैं हिमांशु गुप्ता दिल्ली से, और मेरा सफर एक एक्टर बनने तक। सपने छोटे बड़े नहीं होते, बस उनकी उड़ान और उन्हें पाने की रफ्तार मायने रखती है। छोटी सी फैमिली से हूँ, पर सपने बड़े थे और उन्हें संघर्ष के साथ पूरा कर सकने का इरादा और भी मजबूत। तो हार मानने का सवाल ही नहीं था और ना कभी होगा। बस कुछ बेहतरीन कर गुजरने की चाह थी, और कला के उस हुनर से मन में कुछ सपने लिए, दिल में उम्मीद चल पड़ा अपने उन तमाम सपनों को पूरा करने की राह पर, भरपूर विश्वास के साथ, पूरी शिद्दत से। तो वक्त गुजरता गया, चीज़ों में सुधार आने लगा, और कहते हैं ना, शिद्दत से की हुई मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, हमेशा रंग लाती है। सो आई एम ऑल्सो स्टार्टेड टू पुश माई लिमिट्स। ऑडिशंस पे ऑडिशंस होने लगे, रिजेक्शंस हर जगह से मिल रहे थे, एंड रिजेक्शन की आदत होने लगी। फिर एक दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरजी प्रोडक्शन से कनेक्टिविटी हुई। वहाँ ऑडिशंस तो लगातार चलते ही थे, इवन मैंने भी ऑडिशंस में अप्लाई किया। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस उसी पल मैंने मन बना लिया, एंड आफ्टर दैट एक दिन मौका मिला मुझे भी खुद को प्रूफ करने का। तो मैंने उस दिन हार नहीं मानी। उस एक दिन में लगातार 27 वीडियो एक के बाद एक रिजेक्ट होने लगी, एंड हर बार मुझे आरजी प्रोडक्शन की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट मिला, एंड उन्होंने मेरी काम को अप्रिशिएट किया, एंड फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। और इन सब में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होने में भी काफ़ी मदद मिली। फिर वो पल आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, और मेरी वीडियो को सेलेक्ट किया गया उनकी तरफ से विद अ प्रॉपर सपोर्ट। तो दैट वॉज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी फॉरएवर। फाइनली मुझे मूवी के लिए सेलेक्ट कर ही लिया गया। वक्त के साथ मैं सीखता गया, अपने आप को इम्प्रूव करता गया। मिडिल क्लास फैमिली से फिल्मों तक आने तक का सफ़र आसान नहीं था, लाख मुश्किलें आईं, पर मैंने भी हार नहीं मानी, और हर दिन हर पल अपने आप को इम्प्रूव कर एज एन एक्टर प्रूव किया। So finally, what does it actually like?